हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल गुप्ता और आप सभी का स्वागत है इस चैनल के माध्यम से। सो काफ़ी महीनों बाद मैं आप सबके साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा हूँ, है ना। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मेरा अभी कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है अभी किसी से एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी कंटेंट बनाना, है क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है काफ़ी बिजी शेड्यूल था, है ना। एग्ज़ाम जो जॉब करते हुए साथ में जो है मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी चल रही थी EPFO की, जो कि अभी ओवर हो चुकी है। और इसलिए मैं अभी फ़िलहाल फ्री हूँ और मैं आप सबके सामने जो है एक सोचा कि एक जो है कोई वीडियो या कंटेंट के माध्यम से जुड़ा जाए, जो कि अभी मुझे काफ़ी अच्छा एक टॉपिक मिला है ना, जो आपके सामने है, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट। देखिए, इसको इस टॉपिक पे बात करने के लिए एक्चुअली मैं अपने आप को इतना मतलब सक्षम क्यों मानता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने अभी मैं जो जिस पोस्ट पे है ना, अभी SEIU 2 ग्रेड 2 के पोस्ट पे अभी जॉब कर रहा हूँ, है ना, जो कि मधुबनी में पोस्टेड हूँ। और इसके जो सेकंड पेपर हुआ था वो काफ़ी पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट जो है, इसके जो एक सेकेंड पेपर जो इंग्लिश सेक्शन है ना, जिसमें 60% की वेटेज है, वो दोनों जो है सिमिलर पेपर है ना, दोनों में डिस्क्रिप्टिव है और सेम पैटर्न करीबन आप समझ सकते हैं उसमें पूछा गया था। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो भी मेरे एक्सपीरियंस है और नॉलेज है आप तक पहुँचाया जाए, है ना। और भी बहुत सारे मेरे साथ जैसे और भी जो दोस्त हैं ऑलरेडी जो इस जॉब में ऑल काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ऑलरेडी जो मधुबनी में भी बहुत सारे मेरे दोस्त अभी बने हैं जो पटना के हैं, जो कि ऑलरेडी SI बिहार SI में भी पोस्टेड हैं, और दूसरी चीज़ वो BPSC की भी तैयारी कर रहे हैं ना। तो जो आप समझ सकते हैं कि जो एज अ स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए तो वो एक सेटिस्फाइड लाइफ होती है, ठीक है। वो स्ट्रगल अभी भी कंटिन्यू रहती है, बहुत सारे की जो ऑब्जेक्टिव कुछ और रहता है ना। तो मैं आप सबके जो भी स्टूडेंट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस उनके पेन को हम समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, हमारा भी लाइफ जो जर्नी रहा है वो भी काफ़ी स्ट्रगल से भरा हुआ रहा है, ठीक है। तो 7-8 साल करने के बाद जो है एक जॉब मिल रही है, तो आज के टाइम में जब सोशल मीडिया का टाइम, जहाँ डिस्ट्रैक्शन इतना सारा डिस्ट्रैक्शन हो, पैसे कमाने का जो शॉर्टकट मेथड इतने सारे आपको दिख रहे हों, और इससे क्या होता है आपके माइंड डाइवर्ट होते हैं, है ना, आपको भी लगता है कि मुझे भी ये सब करना चाहिए, है ना। और जिससे पैसे, क्योंकि देखिए सब कुछ एक अगर देखा जाए, ठीक है, अगर सच्चाई यही है, ट्रूथ यही है, आज के टाइम में रियलिटी यह है कि पैसा ही एक चीज़ है, जो पैसा जो एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको सोसाइटी में एक सोसाइटी हो या आपके लाइफ में या आपके फैमिली में जो है एक जो इज्जत और डिग्निटी के साथ जो है जीने का एक जरिया है, राइट, जो एक माध्यम बनाता है, एक रास्ता देता है, वो पैसा ही है और ये सच्चाई है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए इसके माध्यम से, ठीक है, और इसलिए मैं आपको जो है एक खास दूसरी चीज़ एक और चीज़ थी कि देखिए सोशल जो भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं आजकल, जो जितने भी ऑनलाइन कंटेंट और ऑनलाइन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, उनका सबसे ज़्यादा मोटिव ये हो गया कि किस तरह पैसे कमाया जाए, ठीक है, हर कोर्स को बेचा जाए स्टूडेंट्स को, जबकि पता है कि स्टूडेंट्स ही हैं जो कि फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि फाइनेंशियली उनको जो है कहीं से हेल्प मिल जाए, उसमें भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है स्टूडेंट से ही लूटने की कोशिश करते हैं, और वो जो है हर पार्ट में, यानी आप प्री क्वालिफाई करते हैं, फिर मेंस के लिए आपको कोर्स लेना होता है, फिर आप दोनों के लिए कोर्स लेना होता है, फिर टेस्ट सीरीज के लिए कोर्स लेना, आप समझिए एक कोर्स एक एग्ज़ाम के लिए इतना सारा है, ऑलरेडी साल भर में इतने सारे एग्ज़ाम निकलते हैं, आप समझिए आप कितना पैसा पेमेंट करोगे, राइट। तो आजकल, और वो भी ऐसा नहीं कि आप पैसा पेमेंट करते हो तो जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो जो है क्वालिटी प्रोडक्ट हो, यानी क्वालिटी कंटेंट हो, तो उस वो एक कॉपी पेस्ट कहीं से ऑनलाइन से उठा के भी कॉपी पेस्ट करके दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है, देखिए मेरा कोशिश यही रहेगा कि जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करूँ, और भी मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी जो एग्ज़ाम में भी बिजी हैं, उनको मतलब जैसे फ्री होते हैं, जैसे सब धीरे धीरे फ्री होते हैं, मैं आपको उनसे साथ इंट्रोड्यूस कराऊँ, और वो सारे जो है इस चैनल के माध्यम से आपको जो हेल्प करेंगे, ठीक है। आप किसी भी एरिया में, अगर किस एरिया में जो भी अगर मेरे दोस्त अभी हैं, ठीक है, आप अगर उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे अगर आप अगर नॉलेज गेन करना चाहते हैं या लाइफ में किस तरह आपको जो है स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, किस तरह लाइफ जो है मीन्स एज अ अपॉर्चुनिटी यानी एज अ कैरियर कैसे स्टार्ट करना चाहिए, अगर आपको कोई भी उनसे नॉलेज चाहिए, ठीक, इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, मैं आपको जो है प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। तो आज हम
सबसे पहले मेरा टॉपिक एक्चुअली हम बता दें ऑब्जेक्टिव क्या है, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट। सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ बताऊँ, सेफ स्कोर इसलिए, देखिए मेरा कोई भी कट ऑफ प्रेडिक्शन का कोई मतलब ये नहीं है, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए क्या आता है कि स्टूडेंट्स में एक अंदर से ये बेचैनी सी रहती है ना, बेचैनी सी रहती है कि यार क्या हो सकता है कि मैं, क्योंकि उससे आपकी प्रिपरेशन पर बहुत ज़्यादा तुम आपका असर पड़ता है, राइट। क्योंकि देखिए आपके अगर आप अगर कॉन्फिडेंस रहते हैं तो आपके जो है दिमागी अच्छा काम करता है। तो मैं आपको यही बस इतना ही बता दूं कि जितने जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके अगर मार्क्स जो है, अगर बात करें इसमें प्री की, देखिए प्री के अगर पेपर में बात करें तो प्री मैंने पेपर देखी है, ठीक है, जो कि अगर मैं अपने IBACIO के से कंपेयर करूँ प्री के पेपर से तो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। और इसकी पेपर में काफ़ी जो है पेपर जो है क्या है इजी जो है, इजी टू मॉडरेट से बोल सकते हैं। मॉडरेट इसलिए बोल रहा हूँ कि इंग्लिश का जो सेक्शन था वो थोड़ा जो मॉडरेट टू टफ की ओर था, राइट। बाकी अदरवाइज जो है बाकी सेक्शन जो है ईजी थे काफ़ी, और आप इजीली अगर एवरेज स्टूडेंट की अगर बात करूँ, देखिए एवरेज स्टूडेंट है ना वो 70 to 75 में तो पक्का है कि एवरेज स्टूडेंट की अगर बात करें, ठीक है, 70 to 75 तो सबने करा होगा, ठीक है, सबने मतलब एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज से बिलो भी जा सकता है 71 70, राइट। लेकिन इसमें क्या है कि 550 आपके पास टोटल वैकेंसी है, 550 और 550 और आपको सिलेक्शन होना है आपको 5000 के अप्रॉक्स, राइट। तो इसलिए मुझे लगता है कि ए आर का अगर जनरल अगर जितने भी कैंडिडेट हैं उनके अगर मार्क्स अगर बात करें, मार्क्स अगर 75 to 78 के अगर बन रहा हो, है ना, 78% बन रहा हो, तो ये हम मुझे लगता है कि ये सेफ स्कोर है 78%, ठीक है, 78% जो है सेफ स्कोर होना चाहिए, सॉरी 78 मैं 75 to 78 बोल रहा हूँ, 78 to 80 समझिए, ठीक है, क्या है 78 to 80, देखिए ये है 78 to 80, ठीक है, 78 to 80% मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 78 to 80%, क्योंकि देखिए पेपर इजी थी, इतना आसान भी नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें ये वेरी करता है कि इसमें जो है गर्ल्स के लिए भी रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो उन वो परसेंटेज भी जो है आप बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद उसमें जो कटअप जो प्रिपेयर किया जाता है वो सारे आपके जो रिजर्वेशन बेस्ड पर बनाया जाता है, तो सबके और भी जो 70 वाले भी जाएंगे जिनके SC ST होंगे, ठीक है, तो वो भी इसमें आएंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जो जनरल की स्कोर होती है 78 to 80%, मैं ये बता रहा कि ये मैक्सिमम चांसेस है, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है जाने की। इससे अगर थोड़ा सा कम रह रहा है 77 रह रहा है 76 रह, तो आप भी जो है प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखें, क्योंकि देखिए आपका जो है पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए नॉलेज को एक्वायर करना, नॉलेज को गेन करना, राइट। ये नहीं कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि देखिए नॉलेज एक बार आपका नॉलेज अगर अच्छे से समझ में आता है, कोई भी चीज़ कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आती है, कोई भी टॉपिक समझ में आता है, तो आप समझिए कि आप उसके बारे में क्लियरली लिख सकते हो, राइट, क्लियरली लिख सकते हो या उस पर डिस्कशन कर सकते हो, किसी के साथ डिबेट कर सकते हो। तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए सबसे पहला कि नॉलेज को किस तरह अच्छे से समझा जाए, ठीक है, किसी अच्छे से ग्रैप किया जाए अपने दिमाग में, ठीक है। तो ये हो गया, ये सेफ स्कोर की अगर बात करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज अगर बात करें हम इसकी, क्या है कि हाँ ऐसे की जो ऐसे की पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, जो ऐसे की अगर पैटर्न बताएं, देखिए इसकी ऐसे कोई भी अगर बात करें, ये सब एग्ज़ाम जो है इनका मोटिव क्या होता है, एग्ज़ाम अगर आप ले रहे हो, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है इसमें मोटिव होता है ये कि जो भी पेपर सेट करता है ये चेक करना कि जो कैंडिडेट है ना, जो कैंडिडेट है उनका जो राइटिंग स्किल है वो कैसा है, उनका जो थॉट प्रोसेस कैसा है, यानी सोचने का जो तरीका होता है ना, क्या आप समझ सकते हैं ना, किस तरह पॉजिटिव वे में सोचते हैं, नेगेटिव वे में सोचते हैं, या बैलेंस करके सोचते हैं, है ना। तो आपका बस ये नॉलेज चेक करना होता है कि राइटिंग स्किल आपकी अच्छी हो, थोड़ा मोड़ा नॉलेज हो उस चीज़ के बारे में, उस कंटेंट के बारे में, है ना, और आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग हो, है ना, आपके आपके जो ऐसे राइटिंग में, राइट। तो ये चीज़ होते हैं आपके जो है, ये सब रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा आपको डेप्थ नॉलेज नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के बारे में, ऐसा जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको उसमें नोबल लिखना हो या कुछ बड़ा कुछ काम करना हो, राइट। तो आपको इसमें इतना समझ में आ गया होगा, जो भी अगर एवरेज स्टूडेंट हो या आपके बिगिनर भी बोल सकते हैं, जो इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा अच्छा कमांड नहीं हो, तो उनको क्या करना है, मैं ये सब जो है धीरे धीरे आपको जो वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मान लीजिए कोई भी हम एक टॉपिक ले लेते हैं, जो किसी पिछला साल के एक टॉपिक आया था ग्लोबलाइजेशन, राइट, जिसको हिंदी में आप वैश्वीकरण शायद से बोलते हैं, राइट। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक और हम लेते हैं, मान लो जो कोई भी ऐसे लेना हो तो लिबरलाइजेशन लेते हैं। लिबरलाइजेशन मतलब आप समझ सकते हैं ना, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको उदारीकरण, राइट, उदारीकरण होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया उदारीकरण। तो एक मिनट, ठीक है, लिबरलाइजेशन हमने बोला, ठीक है, लिबरलाइजेशन हो गया, ठीक है, हमने लिया टॉपिक, ठीक है, लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन लिया,
तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है समझिए, लिबरलाइजेशन मतलब होता है लिबर्टी। क्या होता है? लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी होता है, ठीक है, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब हुआ आज़ादी, ठीक है, आज़ादी मतलब फ्रीडम। तो आप समझिए कि इस टर्म को अगर आप समझिएगा, ठीक है, इस टर्म को आप देखिए, ठीक है, तो आप समझिए, देखो लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब वो आज़ादी, किसी चीज़ फ्रीडम करना, अपने मार्केट को, यानी कह रहे हो तो मार्केट और इकोनॉमी जो है हमारा अर्थव्यवस्था है उसको आज़ाद करना होता है, किससे, जो गवर्नमेंट्स के जो कम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, आप समझ में आया आपको क्या करना है, जो गवर्नमेंट का जो रूल एंड रेगुलेशन है, मान लीजिए लेट से आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको 10 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, मान लीजिए ना 10 प्रोसेस में गुजरना पड़ेगा और हर एक प्रोसेस से इतने जो है इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि उस पर आपको मान लीजिए कि उसको पास कराने हैं, उसको पहले तो 10 डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, 10 डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, उसके साथ आपको टाइम वेस्ट किया जा रहा है कि आप कल आना परसों आना, जो कि होता है, जो कि यह रियलिटी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की है ना, करप्शन तो आप उसको, अब कोई चीज़ ऐसा तो है नहीं कि आप उसको छुपा सकते, करप्शन तो अपने पीक पे है अभी फिलहाल, तो ठीक है, तो करप्शन जो है उसको आप छुपा नहीं सकते, तो करप्शन है, अब आपको हर प्रोसेस पे कुछ ना कुछ पैसे खिलाने की ज़रूरत होती है, तो आपको टैक्सेस के बाद डॉक्यूमेंट्स में अलग टाइम वेस्ट होता है, तो मान लीजिए पूरे 10 प्रोसेस से अगर गुजर भी जाते हैं तो आपको मान लीजिए कि 5 से 10 लाख रुपये आपको लग जाते हैं एक प्रोसेस को इस्टेब्लिश, एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में, ठीक है, यानी आपको एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करने से पहले ऑलरेडी 5 से 10 लाख का आपको लॉस हो चुका है। दूसरी चीज़, अगर आप लॉस में चले गए, दूसरी चीज़ जो एक कॉम्प्लेक्स आपको जो टैक्स प्रोसेस है, रिजाइन जो है, टैक्स जो रिजाइन है उसका एक अलग है कि उसमें इतने सारे अलग अलग जो टैक्स है उससे आपको जो है ऑलरेडी फ्यूचर में ही मतलब आपको इतना सारा पैसा देना पड़ेगा टैक्स गवर्नमेंट को। तो इतना जो है आपको जो जो रिजिड प्रोसेस है इसे गुजरना पड़ेगा, इसीलिए कोई भी कंपनी या कोई भी जो इंडियन कंपनी हो या बाहरी कंपनी हो इंडिया में इन्वेस्ट करना नहीं चाहती थी, ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाया 1991 में, एलपीजी पॉलिसी, जिसका मोटिव था कि सरकार को यानी इकोनॉमी को खोल देना, ठीक है, मार्केट को क्या करना, खोल देना, जो भी लाइसेंस है उसको कम कर देना, सिंपल स्मूथ प्रोसेस बनाना, ठीक है, जिसे फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई और आपको देखने को मिला होगा रिसेंट में, अगर एग्जांपल दे तो एप्पल कंपनी इंडिया में आई, उसे फ़ायदे हम बता रहे हैं, ठीक है, फिलहाल कि बेनिफिट्स क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, राइट। सो बेनिफिट्स को समझिए कि जब एप्पल कंपनी इंडिया में आती है, अपने प्लांट्स को इस्टेब्लिश करती है, ठीक है, अलग अलग सिटीज़ में, इससे होता है कि उस सिटीज में अब आपको भाई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी तो सॉरी आपको जो एम्प्लॉयज़ भी चाहिए, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो रहा है ना इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट इंडिया के ही लोग उसमें काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, सरकार को उसे टैक्स के थ्रू जो पैसा मिल रहा है वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यानी GDP में भी बढ़ोतरी हो रही है, राइट है? और दूसरी तीसरी चीज़ की जो कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बेच रही है वो कस्टमर को, तो उनके पास कस्टमर की जो रीच है वो भी बहुत सारा हो जा रहा है, यानी बहुत सारे कस्टमर जो हैं आप उनको मिल जा रहा है, तो उनको भी उनका भी जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो इजीली बिक जा रहा है, यानी उनको भी बेनिफिट हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है कि कस्टमर को जो वैरायटी जो है प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं उनके बहुत सारे जो है वैरायटीज़ जो है उनको मिल जा रहा है, वो भी मतलब आपको कम प्राइस पर, ठीक है, यानी गुड क्वालिटी एट अ कॉम्पिटेटिव प्राइस, ठीक है, अच्छा जो है कॉम्पिटेटिव प्राइस पे उनको पैसे जो है प्रोडक्शन सर्विसेज मिल जा रहा है। और इससे क्या होता है कि जो कंपनी जो है ना जो कंपनीज हैं विद इन द नेशन उसके बाद और जो भी आपके जो बाहर से फॉरेन कंपनीज हैं उनके बीच में भी इनके आपस में क्या होता है कंपटीशन बढ़ जाता है, कौन जो है अच्छा प्रोडक्ट कम पैसे में दे रहा है कस्टमर को, ठीक है, उनका ही जो है प्रॉफिट ज़्यादा होगा, राइट, इससे कंपटीशन भी बढ़ जा रहा है। तो ये सारे दीज आर द बेनिफिट्स हैं ऑफ लिबरलाइजेशन, राइट। और इसके अगर चैलेंजेस की अगर बात करें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, राइट, तो चैलेंजेस का मतलब आप समझिए कि जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, जो चाइना की अगर बात करें, देखिए अगर आज के टाइम में इंडिया में अगर कोई भी प्रोडक्ट्स किसी भी देश का जो है सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्ट्स जो अगर बिकता है और कोई भी सर्विसेज हम यूज़ करते हैं वो होता है चाइनीज, ठीक है, इवन हम कोई भी प्रोडक्ट्स होता है वो चाहे वो खाने का हो चाहे हम अगर बात करें अपना मोबाइल स्मार्टफोन्स आजकल देख लीजिए सबसे ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है कि इससे होता है कि जो है कंपटीशन के जगह क्या होता है कि किसी कंपनी का रूल समझते हो ना,
कि अगर स्मार्टफोन की अगर बात करें तो इसमें हमारे जो कंपनीज हैं यानी जो अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी क्योंकि देखिए वो जो है सस्ते दाम में प्रोडक्ट्स को ला के हमारे देश में बेच रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ उस पर अगर आपको पता हो कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैन लगा दिया था उनके ऐप पर और बहुत सारे फ़ोन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम जो है उन जो भी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं उससे हमारे जो है प्राइवेसी को खतरा होता है ना, प्राइवेसी का वो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और उस चीज़ पे गवर्नमेंट ने इसीलिए उस पर बैन लगाया था। तो ये उसका चैलेंज है कि हम किस तरह पहले अपने जो भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, ठीक है, वो आ रही हैं, वो जो है हमारे प्राइवेसी को गलत मिसयूज़ ना करें, ठीक है, मिसयूज़ ना करें यानी अपने फ़ायदे के लिए जो है या देश के अगेंस्ट उसका यूज़ ना करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चैलेंजेस हैं। और उसके बाद अगर बाद में थोड़ा सा कंक्लूजन लिखने के लिए आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, जो भी कंक्लूजन लिखना हो, जैसे कि लिबरलाइजेशन क्या है, एक इम्पेरेटिव टूल्स हैं, है ना, जो कि आपके इकोनॉमी को बूस्ट करता है, आपके जो बिजनेस के एफिशिएंसी को बढ़ाता है। सो आपको ये सारे कंक्लूजन हैं और किस तरह आप जो है लिबरलाइजेशन का जो है सही से मतलब जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। उसमें तीसरा चौथा चीज़ जो अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री जोड़ दें उसमें, अपना जो इंडिया की हिस्ट्री है किस तरह लिबरलाइजेशन को अपनाया गया, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी 1991-92 में, ठीक है, 40-50 वर्ड में। सो 500 वर्ड के लिए इतना इनफ है, मोर देन इनफ है, और अच्छे से अपने थॉट्स को आप अपने रखिए, ठीक है। तो ये सारे हुआ क्या, ये सारे जो है आपके एक अच्छा ऐसे राइटिंग के जो भी कंटेंट है, जो भी हमने पॉइंट बताया, ठीक है, जो भी हमने पॉइंट बताया, ठीक है, लिबरलाइजेशन का इंट्रोडक्शन हमने बताया, उसके हिस्ट्री के बारे में बताया, उसके इंपॉर्टेंस जो है 4-5 की इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा, FDI आएगा, उसके बाद कस्टमर्स के पास जो रीच जा रहा है, ठीक है, वो हो गया, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ये सारे चीज आर दी इंपॉर्टेंस बेनिफिट्स, उसके बाद चैलेंजेस, ठीक है, उसके बाद हो गया कंक्लूजन। सो हो गया, ये आपका एक अच्छा ऐसे बनेगा, राइट। सो ये आपको आज के लिए, देखिए मैं अभी मेरे पास फ़िलहाल अभी कोई भी उतना सोर्स है मतलब है नहीं कि जिसका मैं इस्तेमाल करूँ, मैं फ़िलहाल बता रहा हूँ, मैं अभी घर पे ही आया हूँ तो मैं अभी ये फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ और ये मुझे लग रहा है कि शायद ठीक से फ़ोन से शूट हो नहीं पाया, ठीक है, बट मैं कल से ट्राई करूँगा, ठीक है, कि कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट यानी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को पूरा किया जाए, इस इक्विपमेंट में लाया जाए और आप सभी तक जो है एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। और मेरे जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, वो भी आपको मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आप सभी तक जो है उसको एक नोट्स को एक PDF में फॉर्मेट में डाल के आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से आप सभी को पहुँचाया जाए, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको पढ़िए और बिहार के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो बिहार के हो या आपके अगर UPSC लेवल के, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जितने भी कौन से जो नोट्स हैं वो सारे UPSC पैटर्न पे ही है, ठीक है। तो आप उस चीज़ का यूज़ कीजिए, ठीक है, और जो भी रिक्वायरमेंट्स, जो भी यूज़फुल आपको जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में कीजिए, ठीक है, और बहुत जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद, टिल देन एंजॉय और कीप प्रैक्टिसिंग योर एशिया।